बच्चों को घुमाने के दौरान गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं रंजूत। आप देख रहे हैं आज तक आई। शुरुआत करते हैं खबरों की। वो किले की रानी थी, वो सैलानियों को किले की सैर कराती थी, लेकिन आज वो पागल हो गई। जो सैलानी उसकी सवारी कर खुश होते थे, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। ये कहानी है जयपुर के आमेर किले की। हथनी रानी थी। रानी ने पागलपन में आज जमकर उत्पात मचाया, दो महावतों को जख्मी कर दिया। हालांकि रानी की सवारी करने वाले सैलानी हादसे में बाल बाल बच गए। जीव में बनी इस हथनी को गौर से देखिए, रानी नाम है इसका। इस तस्वीर में बेहद शांत नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले उसने तूफान बरपा दिया था। ऐसा तूफान कि गुलाबी शहर की सैर करने आए लोग एक बार ही कांप भी गए थे। यह है जयपुर का मशहूर आमेर किला। रानी यहीं पर रोज देसी विदेशी सैलानियों को सैर कराती थी। हमेशा की तरह सोमवार सुबह भी रानी सैलानियों को आमेर किले की सैर करा रही थी। उस समय कुछ विदेशी सैलानी रानी की सवारी कर रहे थे। कुछ देर सैलानियों को घुमाने के बाद अचानक रानी इधर उधर भागने लगी। रानी के बर्ताव में अचानक आए बदलाव को समझने में महावत को देर नहीं लगी। उसे पता चल चुका था कि रानी पागल हो गई है। वो तेजी से नीचे कूद पड़ा। रानी की पीठ पर बैठे दूसरे सैलानियों ने भी कूद कर किसी तरह अपनी जान बचा ली। पीठ का भार हल्का होते ही रानी ने और तांडव मचाना शुरू कर दिया। वो तेजी से जंगल की तरफ भागने लगी। रास्ते में उसने एक इमारत में भी तोड़फोड़ कर दी। हाथी को काबू करने की कोशिश में दो महावत पूरी तरह जख्मी हो गए। एक को कमर में चोट आई तो दूसरे का सिर फूट गया। आमेर किले में हथनी के पगलाने की खबर जैसे ही पुलिस और वन विभाग को लगी, उसे काबू में करने के लिए बोलो जंगल की तरफ भागे। आगे आगे रानी और पीछे पीछे पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ को काबू में करने के लिए ट्रैंकलाइजर की सुई डालनी शुरू कर दी। 7-8 सुई रानी को लगी। एक तो थकान और दूसरी तरफ ट्रैंकलाइजर का असर। 4-5 किलोमीटर भागने के बाद पहाड़ी पर जाकर रानी रुक गई। रानी के बेसुध होते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया। वन कर्मियों के साथ आए महावत ने रानी को काबू में कर लिया। ये सबसे हाईएस्ट पीक है आमेर की, इस पे चढ़ गया था। इस पे अभी इसको धीरे धीरे उतार के लाए हैं ट्रंकलाइज करके, और अब इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। इसको ठंडा कर रहे हैं यहाँ के महावत वगैरह, और इसको खबर है कि रानी को रविवार शाम ही पागलपन का हल्का दौरा पड़ा था, लेकिन उसके महावत ने ये बात किसी को बताई नहीं और सोमवार को फिर उसे काम पर ले आया। यही वजह है कि कार्रवाई के डर से महावत भाग खड़ा हुआ। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गर्मी, तेज धूप और भूख प्यास की वजह से रानी को पागलपन का दौरा पड़ा था। जंगल में भागने की वजह से रानी के पूरे शरीर पर कांटों से खरोंचे आई है। वन विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि गुलाबी शहर में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इससे पहले पागल हाथी के तबाही मचाने की कई घटनाएं हम देख चुके हैं। शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो किले में हथनी का गुस्सा आपने देखा। हालांकि हथनी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी खबर आई है कि यह हथनी मर चुकी है। गुलाबी शहर जयपुर की मशहूर पहचान है आमेर किला। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर जंगली पहाड़ियों के बीच आमेर किले की विशाल प्राचीरें यहां आने वाले सैलानियों को आकर्षित करती हैं। लेकिन आमेर किला पहुंचने वाले सैलानियों के लिए एक और आकर्षण है, वो है हाथी की सवारी। लेकिन पहले भी हाथी यहां पर गुस्सा होकर कहर बरपा चुके हैं। जयपुर राजमार्ग पर पहाड़ियों के बीच स्थित जयपुर का मशहूर आमेर किला राजपुताना वास्तुकला का शानदार नमूना है। आमेर किला कोई गुलाबी शहर आए और आमेर किला ना देखें तो जयपुर की सैर अधूरी रह जाएगी। इसी तरह आप आमेर किले की सैर करें और हाथी की सवारी का लुत्फ ना उठाएं तो आपकी सैर अधूरी मानी जाएगी।
सालों से ये हाथी सैलानियों को लुभाते रहे हैं। जो भी आमेर किले की सैर करने आता है वो इन हाथियों की सवारी जरूर करता है। इस वक्त आमेर किले में 32 हथिनी है जो सैलानियों का मनोरंजन करती है। हालांकि कुछ समय पहले तक यहाँ सैलानियों के मनोरंजन के लिए 100 से ज्यादा हाथी हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज हजारों सैलानी हाथी की सवारी करते थे, लेकिन 2 साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया था। सैलानियों को सैर कराते हुए एक हाथी पागल हो गया था। पागल हाथी ने तब ऐसा तूफान मचाया कि कई पर्यटक जख्मी हो गए। इसी के बाद हाथी की जगह हथिनी को लगाया गया। हालांकि कुछ वन्य जीव प्रेमियों ने हाथी की सवारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसे पशु क्रूरता अधिनियम के खिलाफ बताया गया था। मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हाथी की सवारी पर रोक नहीं लग पाई। आज भी रोजाना सैकड़ों सैलानी यहां हाथी की सवारी का मजा लेते हैं। हो सकता है रानी के पागल होने की खबर के बाद अगले कुछ दिनों तक सैलानी हथिनी की सवारी करने से हिचके। लेकिन जैसा कि हर हादसे के बाद होता है, वक्त के साथ साथ लोग इसे भी भूल जाएंगे और फिर शुरू हो जाएगी इनकी सवारी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और बिल्कुल यही लगता है कि वक्त के साथ शायद लोग इस हादसे को भी भूल जाए, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ खड़े हुए इसी हादसे को लेकर। हम बात करते हैं शरद, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। शरद, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम खासतौर पर आमेर किले की बात करें तो काफी ऊंचाई पर है और हाथी जो है वहाँ का खास आकर्षण का केंद्र होता है। ज्यादातर लोग जो है हाथी की सवारी करके ही जाते हैं। ऐसे में अगर हम रानी की बात करें, अगर इतने दिन से भूखी प्यासी थी रानी, तो फिर क्या जरूरत थी कि लोगों को बिठा कर ऊपर ले जाया जाता या फिर इसकी सवारी करवाई जाती? सबसे पहले उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? हाँ, इधर ही वो करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं सुबह से, उस दृश्य को आप अगर ध्यान से देखें तो जितनी चोट उसकी सूंड़ पे आई है, उसको उसके भाला घोटने से उसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप में वो काफी द्रवित करने वाले दृश्य है कि कितने भाला उसके सूंड़ पे घोपे गए हैं। इसके अलावा वो कल से भूखे प्यासे थी, उसको लेकर उसने विद्रोह किया था। सबसे बड़ी बात है कि जो वन विभाग के अधिकारी थे वो पहाड़ी पे खाट छानते छानते इतना थक चुके थे कि लगातार ट्रैंकुलाइजर दिया जा रहा था। हालांकि जो नीचे विशेषज्ञ थे वो बार बार कह रहे थे कभी भी हाथी को पूरी तरह से बेहोश नहीं करना चाहिए, जो कि हम पहले भी बताते रहे हैं कि हाथी को पूरी तरह से कभी भी बेहोश नहीं करना चाहिए। एक बार हाथी बेहोश हो जाता है तो वो उठ नहीं पाता है। इसके अलावा जिस तरह से वो भाग दौड़ रहा था और मकान को तोड़ा, उसमें तो काफी चोटें आई थी। तो मुख्य इसके मरने की जो वजह है वो ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइजर ज्यादा दिए गए हैं हाथी पर, धीरे धीरे ये काम करता है ट्रैंकुलाइजर, लेकिन ज्यादा अगर ज्यादा मात्रा में इसको दिया जाए तो पता नहीं चल पाता है और धीरे धीरे हाथी की मौत हो जाती है। तो ये वन विभाग की लापरवाही के चलते ही ट्रैंकुलाइजर ज्यादा दिया गया है। जहाँ तक आमेर किले की बात करें हाथी की सवारी की, आमेर किले में हाथी की सवारी को लेकर शुरू से विवाद होता रहा है। हाईकोर्ट ने एक बार 3 महीने के लिए बैन भी लगाया था, उसके बाद काफी परीक्षण के बाद इसको खोला गया था। इस हाथी के बारे में बता दें, इस हाथी में इस तरह की बीमारी थी, लेकिन महावत ने जानबूझकर इसको छुपाया और धंधे के चलते इस पागल हाथी के साथ काम करता रहा। जी, शुक्रिया शुक्रिया शरद, आप इस पूरी जानकारी के लिए। शरद हमारे संवाददाता इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे थे। तो हाथी को सबसे मस्त मौला जानवर माना जाता है, ये इंसान का मददगार भी होता है और दोस्त भी है हाथी। लेकिन यही हाथी जब पागल हो जाता है तो अपने आगे आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। ये हाथी पागल हो गया है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये तस्वीर है त्रिशूर की। पिछले साल एक धार्मिक महोत्सव के दौरान हाथी ऐसा भड़का कि 3 लोगों की जान देने के बाद ही शांत हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, हाथियों के पागल होने की सबसे ज्यादा घटनाएं त्रिशूर से ही सामने आती हैं।